स्टूडेंट्स हम बात करेंगे वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन पीरियोडिक टेबल। अब पीरियोडिक टेबल में हम देखेंगे वेरिएशन किस चीज में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, एक रिलेटिव एबिलिटी होती है कि अगर एक मॉलिक्यूल के अंदर दो एटम्स क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स का पेयर शेयर कर रहे हैं, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है, इलेक्ट्रॉन का जो पेयर है ना, तो वो जो शेयर किया जा रहा है दोनों के दरमियान, वो किसी एक की तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड होगा। ठीक है, जिस तरह से अगर ये एक एटम है, ठीक है, और उसके साथ मैं क्या करती हूँ कि एक और एटम बना लेती हूँ जो दूसरे कलर से बना लेते हैं हम, ठीक है, ये दूसरा एटम है। तो अब देखिए इनके दरमियान जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, फर्स्ट करें ये वाला ज्यादा खींच रहा है उसको, तो उसकी तरफ ये ज्यादा आ गया। ठीक है, अब शेयर ये भी कर रहा है लेकिन इससे थोड़े दूर दूर है, इसकी तरफ करीब करीब है। ठीक है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ज्यादा है, यानी कि ये इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम कहते हैं ज्यादा है। ठीक है, अच्छा इसमें वेरिएशन देखेंगे पीरियोडिक टेबल में, हम ये भी देखेंगे कि हम लेफ्ट टू राइट जाएं विद इन अ पीरियड, अक्रॉस अ पीरियड, तो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती है या डिक्रीज करती है। और डाउन द ग्रुप जाएं विद इन अ ग्रुप, ठीक है, टॉप टू बॉटम जाएं, तो हम उसमें भी देखेंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती है या डिक्रीज करती है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर ये देख लेते हैं कि देखें जब हम एक पीरियड के अंदर हम देख रहे हैं, यहाँ पर चले वैल्यूज देख लेते हैं, सेकेंड पीरियड उठाते हैं, पीरियड नंबर टू। ठीक है, जिसमें देखें लिथियम की क्या है, 1.0, लेकिन अगर इसी का आखिरी हम देख रहे हैं यहाँ पे सेवन्थ शेल, हमने यहाँ पर पीरियड में कुछ एलिमेंट्स को यहाँ से स्किप किया है, जिस तरह से नोबल गैसेस हमने यहाँ पर नहीं मेंशन की हैं। ठीक है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन। ठीक है, यहाँ पर यानी इसके यहाँ पर जो एट्थ हमारे पास ग्रुप आ जाता है, वो हमने यहाँ पर एट्थ ए जो ग्रुप होता है या एटीनथ ग्रुप जो होता है वो हमने मेंशन नहीं किया। इसी तरह हमने नीचे लेंथेनाइड्स, एक्टिनाइड्स मेंशन नहीं किए, तो हमने कुछ स्किप कर दिए यहाँ पे। ठीक है, कुछ ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी स्किप किए, तो यहाँ पर बस हम कुछ की हम देख रहे हैं क्योंकि हम कंपेयर करेंगे, हम जनरली जायजा लेंगे। देखिए यहाँ पर 1.0 से, लिथियम की 1.0 से अगर हम पीरियोडिक टेबल के सेवंथ ग्रुप या सेवंथ ए ग्रुप की तरफ जाएं, तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि हमारे पास फ्लोरीन की क्या हो गई, 4.0। बहुत ज्यादा डिफरेंस आ गया ना, यानी कि हम देख रहे हैं कि इनके दरमियान इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ गया। इसका मतलब है कि अक्रॉस द पीरियड लेफ्ट टू राइट जाएं तो क्या हो रहा है, लेफ्ट टू राइट जाते हुए यानी कि हम इस तरह से जा रहे हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज कर रही है। ठीक है, हमने लिखा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और ये क्या कर रही है, इंक्रीज। ठीक है, INC लिखेंगे हम इंक्रीज के लिए। तो ये इंक्रीज किस वजह से कर रही है, इसकी रीजन भी देख लेते हैं। देखिए हो क्या रहा है कि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा है किस तरह से, ये देखिए। अब ये एक यहाँ पे लिथियम का अगर एटम बना, यहाँ पे लिथियम का एटम बना लूँ घर में, तो ये मेरे पास इसके अंदर पॉजिटिव, चले पॉजिटिव साइन को हम थोड़ा ठीक कर लेते हैं, ये पॉजिटिव साइन है इसके अंदर, ये न्यूक्लियस आ गया, ये फर्स्ट शेल आ गया जिसके अंदर हम क्या कहते हैं कि हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक दो, दो इलेक्ट्रॉन्स आ गए। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा सेकंड शेल। ठीक है, सेकंड शेल भी चले बना लेती हूँ, यहाँ पे सेकंड शेल बनाएंगे, इसके अंदर लिथियम में जस्ट वन इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब होगा क्या कि देखिए लिथियम के केस में तो वन इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन भी अंदर क्या है, तीन है। ठीक है, ये खींच रहा है इनको, लेकिन फिर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स इसके इर्द गिर्द यहाँ पे ज्यादा होते जा रहे हैं, लेकिन साथ के साथ प्रोटॉन नंबर भी अंदर इंक्रीज कर रहे हैं। अब शेल इंक्रीज नहीं कर रहे, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो उसी एक शेल के अंदर घुसे चले जा रहे हैं, ठीक है, जब तक वो एट ना हो जाए। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो एटम है, ऐसे जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स इस आउटर शेल में इंक्रीज करे जाए ना, तो हमारे पास साइज जो है वो डिक्रीज करता चला जाता है। ठीक है, और जब ये साइज डिक्रीज करता चला जाएगा, तो हम क्या देखते हैं कि फ्लोरीन के केस में जब इसमें यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एट इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो हम कहते हैं फ्लोरीन का जो साइज है वो काफी छोटा है। ठीक है, तो साइज की वजह से और न्यूक्लियर चार्ज की वजह से हमने कहा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज कर रही है, क्योंकि ये जो न्यूक्लियस है ये आउटर मोस्ट शेल के बहुत करीब होगा, तो अगर आउटर मोस्ट शेल के करीब यहाँ पे न्यूक्लियस बहुत ज्यादा करीब होगा अगर देखें, तो ये इस इलेक्ट्रॉन पेयर को तो बड़ी आसानी से अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम कहते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज कर गई। ठीक है ना, फिर इसके अलावा हम ये देखते हैं कि डाउन द ग्रुप जाते हैं, तो डाउन द ग्रुप जाते हुए हमारे पास शेल इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, अब ये एट तो आ गए फ्लोरीन तक, यहाँ एट आ गए, लेकिन देखिए अगर मैं सोडियम के लिए एक नेक्स्ट शेल यहाँ पे बना लूं, ये हमारे पास आ गया नेक्स्ट शेल। ठीक है, लिथियम के नीचे नेक्स्ट शेल आ गया, चलो शेल को हम थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं यहाँ पे, ये हमारे पास आ गया शेल। ठीक है, वेट इसको हम थोड़ा ठीक कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह से हमने शेल बना लिया, और इसमें देखें अब लिथियम के नीचे वाला है ना, तो ग्रुप वन है। ठीक है, वन में हम कहते हैं कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम देखते हैं कि जस्ट एक ही इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे मौजूद। ठीक है, आउटर मोस्ट शेल में सोडियम के लिए। ठीक है, ये हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 11 हो गए सोडियम के केस में, और इसका प्रोटॉन नंबर अंदर न्यूक्लियर चार्ज भी 11 है। ठीक है, प्रोटॉन नंबर इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन हम कहते हैं कि अब उसी शेल में इंक्रीज नहीं हो रहे इलेक्ट्रॉन्स, बल्कि नेक्स्ट शेल एड होता चला जा रहा है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास पोटेशियम आएगा, तो उसके केस में एक और यहाँ
पे हमारे पास शेल आ जाएगा, ठीक है। फिर हमारे पास रुबिडियम के केस में एक और शेल आ जाएगा, यानी कि अगर जब हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, ठीक है, तो अभी हमने जिस तरह से किसकी बात की है, हमने ग्रुप की बात कर रहे थे, तो डाउन द ग्रुप जा रहे हैं हम, तो उसमें क्या हो रहा है, हमारे पास जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ई एन लिखेंगे इसके लिए, तो ये क्या कर रही है, ये डिक्रीज कर रही है, डी ई सी लिखेंगे हम डिक्रीज के लिए, ठीक है। इस वजह से देखिए जब साइज इंक्रीज कर रहा है किसका, एटम का, तो डाउन द ग्रुप जाने से, तो हम देखते हैं कि न्यूक्लियस का होल्ड सबसे दूर वाले वैलेंस शेल के साथ इतना इंटरेक्शन नहीं है, न्यूक्लियस का होल्ड इतना नहीं है, जिसकी वजह से अगर देखें शेयर्ड पेयर इसमें हम देखते हैं, यहां पर अगर मेरे पास न्यूक्लियस बड़ा अंदर को करके तो ठीक है ना, इस तरह से है, तो देखते हैं वो दूर है, ठीक है, इस शेयर्ड पेयर से, तो वो इतना इसको नहीं खींच सकेगा, ठीक है। जिस तरह से अगर हम यहाँ पर गए तो इसका न्यूक्लियस जो है वो ये हमारे पास दूर है, और इतना हमारे पास बड़ा सा जो है वो इसमें शेल आ रहा है, ठीक है, तो न्यूक्लियस जो है वो इतनी दूर तक इलेक्ट्रॉन्स को नहीं खींच सकेगा, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। अब देखिए यही वजह है कि ये जो हमारे पास, देखिए हमने ये कहते हैं ना कि लेफ्ट साइड पे जो हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं वो यूजुअली मेटल्स हैं, एक्सेप्ट हमारे पास सिर्फ एक एक्सेप्शन आ जाती है, जो हमारे पास हाइड्रोजन है, ये क्या है, नॉन मेटल है, एन एम लिखूंगी मैं नॉन मेटल के लिए, ठीक है, तो ये एक नॉन मेटल है, अदरवाइज लेफ्ट साइड पे हमारे पास मेटल्स आ जाती है। मेटल्स की खसूसियत नहीं होती कि वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ इतनी आसानी से खींचे, ठीक है, इसीलिए वो प्रेफर करते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन दे दें, बजाय इसके कि वो क्या करें, वो इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन करने की या उसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करें। इसी वजह से हम ये देखें कि यहां पर हम ये भी देखते हैं, जिस तरह हमने पहले भी ये देख चुके हैं कि यहां देखिए फ्लोरीन की जो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो सबसे ज्यादा है, ठीक है, उसको हमने आर्बिट्रेरली पॉलिंग ने इसको पॉलिंग स्केल पे इसको कौन सा नंबर दिया, 4.0, ठीक है, समटाइम्स हम 3.98 भी कहते हैं, लेकिन फिर भी इसकी हाइएस्ट ही रहती है 4.0 या 3.98 हम जो कहते हैं, ठीक है। और दूसरी जानब हम देखें, अगर हम बात करें सीजियम की, या इससे नीचे हमारे पास सेवंथ पीरियड में फ्रेंसियम आ जाता है, तो फ्रेंसियम की अगर हम यहाँ पे बात करें, हम यहाँ पर फ्रेंसियम चले लिख देते हैं, इसके नीचे होता है फ्रेंसियम और उसकी होती है हमारे पास 0.7, ठीक है, और ये ग्रुप होता है सॉरी पीरियड होता है 7, तो उसकी देखिए सबसे कम जो होती है ना वो फ्रेंसियम की होती है, जो कि हमारे पास आ गई 0.7, ठीक है। अब इसके अलावा हम ये भी देख लेते हैं, मेटल्स की यूजुअली 1 के करीब ही होती है, यानी 1.0 के करीब करीब होगी, किसकी, अराउंड 1.0 होगी, हम क्या कहते हैं किसकी, मेटल्स की, ठीक है। जिस तरह से यहां पर अगर हम देख भी लें तो सोडियम है, लिथियम है, पोटेशियम है, इनकी करीब करीब है 1.0, 1.5, ठीक है, 1.4, इवन ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो कि हम कहते हैं मेटल्स हैं, इनमें भी देखें 1 के करीब करीब आ जाती है, ठीक है, तो बिल्कुल देख रहे हैं 1 और 2 के दरमियान दरमियान सारी आ गई। जबकि अगर हम यहां बात करें, हम हेलोजन्स की बात कर लें, जो सेवंथ ए जो हमारे पास ग्रुप होता है, ठीक है, यहां पर हमने इसको सिर्फ काउंटिंग, यहां पे हमने ग्रुप्स की काउंटिंग नहीं की हुई है, यहां हमने वैसे ही हमने अपने, क्योंकि हमने यहां पे कंपैरिजन कर रहे हैं ना, इसलिए हमने की काउंटिंग की हुई है, ठीक है, ये बेसिकली ग्रुप्स की काउंटिंग नहीं है, ग्रुप्स की काउंटिंग हम इस तरह नहीं करते, ठीक है। तो ये जो अब देखें, जो सेवंथ नंबर का जो यहां पर हम शो कर रहे हैं ना, सेवंथ सेक्शन, इसमें देखें फ्लोरिन, क्लोरिन, ब्रोमिन, आयोडिन, इनकी सबकी ज्यादा है, ठीक है। इसी तरह हम देख रहे हैं कि हमने जिस तरह देखा पीरियड में अक्रॉस द पीरियड जा रहे हैं लेफ्ट टू राइट, तो उसमें भी ज्यादा आ जाती है। और देखें फिर हम एक और चीज भी यहां देख सकते हैं, जिस तरह से हमने पहले भी बात की थी कि ये हमें जो है वो इस बात का मेयार भी बताता है कि बॉन्ड कौन सा है, ठीक है। जैसे यहां पर अगर हम देखें तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमने कहा था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस निकाल दें, ठीक है। जिस तरह से अगर देखें मेरे पास यहां पर एक कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड हो, कार्बन हाइड्रोजन का, तो इसमें अगर देखें कार्बन की कितनी है 2.5, मैंने लिखा 2.5, माइनस करूंगी किसके, हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन की कितनी है 2.1, यानी कार्बन हाइड्रोजन का जो यहाँ पे ये बॉन्ड है इसकी हम इस तरह से निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगी, ये जस्ट मेरे पास 0.4 आएगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये कैसा बॉन्ड है, ये एक नॉन पोलर बॉन्ड है, ठीक है, इसको हम कहते हैं नॉन पोलर बॉन्ड, स्लाइडली पोलर होता है, बहुत ही कम के ये नॉन पोलर हो जाता है, ठीक है, तो ये हम कहते हैं नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड आ जाता है, ठीक है, कोवेलेंट के लिए चले हम यहाँ पर COV लिख देते हैं, ठीक है। देन हम देखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ही, मैं किसी और की निकाल लेती हूँ, अब मैं किसकी निकाल लेती हूँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिखा EN लिखते हैं हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए। तो यहां पर देखें अगर मैं हाइड्रोजन H2 मेरे पास एक मॉलिक्यूल है, इसकी निकालना चाहूं तो क्या होगी, देखिए हाइड्रोजन की क्या है 2.1, हम 2.2 भी कहते हैं वैसे, 2.2 2.1 के दरमियान में होती है, और माइनस 2.1 यानी कि क्या आ गया 0, स्टिल मेरे पास बॉन्ड कौन सा होगा, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होगा, ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से। फिर अगर हम यहां पर देखें, हम एक और यहां पर देखेंगे कि अगर मैं यहां पर ले लूं क्या चीज, यहां पर मैं ले लूं हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है, HCl के लिए ले लूं, तो देखिए इसके लिए क्या होगी, अब क्लोरीन के लिए क्या है, क्लोरीन के लिए यहां पर हम देखेंगे क्लोरीन के लिए 3.0, ठीक है, इस तरह से। जबकि अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो 2.1 आ जाएगी, और यहां से अगर हम डिफरेंस निकालें तो कितना आएगा 0.8 का डिफरेंस आएगा, सॉरी 0.8 का भी नहीं बल्कि 0.9 का डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पे जो बॉन्ड आ जाएगा वो कौन सा बॉन्ड आ जाएगा, पोलर कोवेलेंट
बॉन्ड, ठीक है, सी ओ वी लिखेंगे कोवलेंट के लिए बॉन्ड, ठीक है। और इसमें ये देखें कि क्लोरीन की ज्यादा है ना, तो क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि क्लोरीन जो है वो अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा। हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वीडियो में हम ये बात भी कर चुके हैं, ठीक है। और ये देखें इसके अंदर क्लोरीन पे हम देख रहे हैं कि पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है। किस वजह से? क्योंकि क्लोरीन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा खींचेगा, ठीक है, उस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को, ठीक है ना। इसी तरह चले एक और की देख लेते हैं। यहाँ पे हम अगर यहाँ पर हम बात करें, अब किसकी करेंगे, सोडियम क्लोराइड की बात कर लेते हैं, ठीक है, एन ए सी एल की बात कर लेते हैं। लेकिन 3.0 तो आ जाएगी क्लोरीन की, माइनस करेंगे सोडियम की, ये क्या है हमारे पास 0.9, जस्ट 0.9 है, ठीक है, 0.9। तो इनका डिफरेंस अगर हम देखें तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2.1 का डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। और ये बॉन्ड कौन सा हो जाएगा हमारे पास, यहां हम देखते हैं 1.7 या इससे ज्यादा का अगर डिफरेंस आ जाए ना इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस में, तो हम कहते हैं कि वो हमारे पास आयोनिक बॉन्ड होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास कौन सा बॉन्ड आ गया, आयोनिक बॉन्ड आ गया, ठीक है। यानी कि इसमें सोडियम अपना क्लोरीन इतना ज्यादा खींचेगा कि सोडियम जो है कहेगा मेरा इलेक्ट्रॉन पूरा ही ले लो, ठीक है, तो वो अपने पास उसका इलेक्ट्रॉन ले लेगा, क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये आयोनिक बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। इस तरह हमने ये देखा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से किस तरह से हमें ये अंदाजा हो जाता है कि बॉन्ड हमारे पास पोलर आएगा, नॉन पोलर आएगा, आयनिक बॉन्ड आएगा, किस तरह का बॉन्ड आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने आज वेरिएशन भी देखी और हमने जो है वो नेचर ऑफ बॉन्ड भी देखा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन पीरियोडिक टेबल में।